नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम मैंगलोर में हैं। सुबह 7:45 का टाइम है। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए नज़दीक में एक फेमस ईटरी में जा रहे हैं। मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ही हम रुके हैं। मार्केट देखिए, इस समय पूरी तरह से क्लोज्ड है। पिछले 2-3 दिन में मैंने देखा मैंगलोर में ट्रैफिक काफ़ी कम है एक बड़े शहर के मुकाबले में, तो यहाँ ट्रैफिक है भी कम और चलता रहता है। ट्रैफिक जैम मैंने एक बार भी नहीं देखा। इस समय देखिए रोड्स पूरी खाली हैं। चलिए आपको ब्रेकफास्ट पॉइंट पर पहुंच के ज्वाइन करते हैं। मैं आपको श्रीनिवास जी से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। नमस्कार। मैंगलोर के रेजिडेंट हैं। इनके साथ आज हम दिन भर घूमेंगे। इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को नवभारत सर्कल बोलते हैं। नवभारत सर्कल। ग्रेट, कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। चलिए। आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये तो आपका मूंग दाल स्प्राउटेड हो गया, चना साथ में, ये क्या है? ये स्वीट पोटैटो। ये पोहा है। पोहा। और ये? तो ये उस्ताद रोटी बोलते हैं उसको, मैदा से बना है। अच्छा, ग्रेट। चलो जी। तीखा ज्यादा है, नॉर्मल पोहे में इतना तीखा नहीं होता, और चीनी डाला मीठे के लिए। आज से पहले जो हमने बेस्ट पोहा खाया ना, वो है इंदौर का, बहुत फेमस है वहाँ का पोहा। ये भी अच्छा है, कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। लो जी, शकरकंदी और काले चने। वैसे इसके अंदर मसाले नहीं है, हल्का सा थोड़ा टेस्ट के लिए नमक है और कोकोनट ऑयल है। उसका नेचुरल स्वीटनेस स्वीट पोटैटो से आता है। यू आर राइट। इसमें ना जो चीज़ डिफरेंट है और हमारे लिए नहीं है, वो है स्प्राउटेड दाल कोकोनट के साथ और साथ में कड़ी पत्ता है ना। इंटरेस्टिंग है। नाइस। ग्रीन चिल्ली है काफी सारी, और दूसरी बात मीठा है, साथ साथ जैगरी और ये सारा मैदा है। तो इसको तवे में शैलो फ्राई तो नहीं कह सकते, तवा रोस्ट। इंटरेस्टिंग है। ये मैंगलोर का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम्स है। जो मसाला डोसा वो सब है ना, वो बाहर का इन्फ्लुएंस से आया है। अच्छा। बट ये एज ओल्ड से यही हो रहा है। ये भी मैंगलोर का ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है। इसके साथ दाली तो है, दाल और सांभर है। हम कूर्ग गए थे, 2 साल पुरानी बात है, वहाँ पर इसको नूल पुट्टू बोलते हैं। नूल पुट्टू बोलते हैं इसको। ठीक याद आया। बेसिकली राइस नूडल्स हैं। वहाँ पर मैंने देखा था कोकोनट मिल्क के साथ कंज्यूम करना लोग पसंद करते हैं। इधर भी है, बट शायद आज ये प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा। काफी सिंपल टेस्ट है। इसको थोड़ा सा हम सांभर में डिप करके ऐसा। इंडिविजुअली सांभर भी अच्छा है और सेवई भी अच्छा है, लेकिन कॉम्बिनेशन में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। कोकोनट मिल्क अगर साथ में होता ना तो और मज़ा आता। कुल मिला के यहाँ पर आके ऐसा लगा कि जो बेसिक इनकी फूड प्रिपरेशन है उसमें सिंपलिसिटी हाई है, तो आपको ऐसा लग रहा है टेस्ट जैसे हम अपने घर में खाना खा रहे हैं। मतलब कुछ भी फैंसी नहीं है यहाँ। एंड हेल्दी। या अभी हम ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद हम जाने वाले नेल्ली तीर्थ। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से अबाउट 30 किलोमीटर। अच्छा। अयोध्या रेस्टोरेंट के बाहर ही इनकी स्वीट शॉप भी है। एक आध स्वीट टेस्ट करेंगे, आपकी क्या सजेशन है? हाँ, आप ये कीजिए, यह 3-4 वैरायटीज का मैसूर पाक रहता है, उसमें से आप एक 2 वैरायटीज टेस्ट कीजिए।
एक ये लेंगे मैसूर पाक जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है। और व्हाट इज दिस शुगर फ्री? शुगर फ्री रागी मैसूर पाक है। तो ये एक एक पीस हमें आप दे दीजिए। लो जी रागी मैसूर पाक। मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रागी से भी मैसूर पाक बनता है। हम सोचते थे मैसूर और मैसूर पाक मतलब केवल बेसन, ऐसा नहीं है। पहले ही बना लेंगे। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, लवली। घी की अच्छी खासी लोडिंग है और बेसन का फ्लेवर ऑसम है। नाइस प्रिपरेशन। मीठा तेज है, मीठा है ये। वैसे ज्यादा मीठा रहता ही है। रागी मैसूर पाक और वो भी शुगर फ्री। वाह इंटरेस्टिंग है। बहुत डिफरेंट टेस्ट है। मतलब इससे आप अगर मैसूर पाक के माइंडसेट को लेके खाओगे तो टेस्ट इज ऑब्वियसली रागी है तो कहाँ से वो टेस्ट आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। और नाम भले शुगर फ्री है लेकिन वो कुछ तो वो डायबिटीज़ वाला शुगर डाला होगा इन्होंने। ₹500 पर केजी जी हाँ। और उसका क्या रेट है जो भी हमने खाया? ₹440 और ये 500 शुगर फ्री 500 रागी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ मतलब वैसे तो लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैसूर पाक मैंने पहले खाया जो ट्रेडिशनल है और ये तो मेरे को ये रागी शुगर फ्री वाला ज़्यादा स्वाद लग रहा है। मतलब अगर मुझे मेरे लिए नया चीज़ है ये। स्वीटनेस इसमें हल्का हल्का है और फ्लेवर इसका मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये जिसने भी इस रेसिपी की खोज करी है इंटरेस्टिंग है। इधर ही खोज किया था, यही रेस्टोरेंट। अच्छा ये लोग ने स्टार्ट किया। तो आपका ये होटल कितने साल पुराना है? 31 साल। तो तभी से स्वीट शॉप भी है। अगर हम आपसे ये पैक करवा लेंगे रागी मैसूर पाक शुगर फ्री वाला तो कितना दिन चलेगा? एक हफ्ता के लिए तो। एक हफ्ता। ये क्या है? ये मालपुरी। मालपुरी बोलते हैं। अच्छा श्रीनिवासी ये क्या चीज़ है? ये रॉ जैकफ्रूट है। ये ब्राइन में डालते हैं, ब्राइन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये रॉ मैंगो है। अच्छा ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है तो ये एक साल तक चलता है। इसे बारी चलता है। ये करीज प्रिपरेशन के लिए डालते हैं। नाइस चलेंगे। हम नल्ली तीर्थ पहुंच चुके हैं। बैंगलोर से यहाँ पहुंचने में हमें 45 मिनट लगे हैं। अंदर गुफा है। गुफा में जाने के लिए आपको धोती पहन के जाना होता है, तो श्रीनिवास जी ने हमें पहले बताया। तो इसके चलते हमने बैंगलोर से ही मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और मैंने धोती पहन ली है। चले चले आओ। तो एक चीज़ आपने और बताई कि हमें अंदर कुंड में स्नान करना रहता है। स्नान करना रहता है। हमें अभी आपको कुंड के तरफ ले जा रहा हूँ और स्नान करके बाद में केव में प्रवेश करेंगे। अच्छा अच्छा ये चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। चेंजिंग रूम्स है। ये जबाली महर्षि का वृंदावन है। यहाँ प्रार्थना करके हम गुहा पर प्रवेश कर सकते हैं। गुफा के एंट्रेंस पॉइंट के पास हम पहुंच चुके हैं। ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी के अंदर यहाँ पर गुफा है। हमें यहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि अंदर थोड़ा सा सफोकेशन रहती है क्योंकि ऐसा कोई वेंट तो है नहीं, तो आप मास्क उतार के जाइए क्योंकि डिफिकल्टी होगी अंदर। तो आधे आधे घंटे के बैचेस हैं जो मैं आपसे समझाऊं कि 7 बजे यहाँ पर सुबह एंट्री स्टार्ट होती है और 11:30 बजे तक लास्ट बैच जाता है। तो कितने एक बारी में लोग जाते हैं? 8-10 लोग जाते हैं एक बारी में।
महर्षि जबाली जी की गुफा में हम दर्शन करके आए। मैं आपको बताता हूँ केव में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहली बात ये कि जैसे आप एंटर करते हो तो 10 मीटर के आसपास तो ऐसा आप इस तरह से हाइट पे चल सकते हो। उसके बाद आपको झुकना पड़ता है और इतना झुकना पड़ता है कि आप पूरी तरह से बेंड हो जाओ और फिर गोड़ों के बल धीरे धीरे चलो, तो आप बैठ के चल नहीं सकते और साथ में 1 फीट पानी है। तो उस तरह करते करते आप 20 मीटर के आसपास जाते हो। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप शिवलिंग भगवान शिव के दर्शन करते हो और वहाँ पर पास ही में बहुत सारी क्ले है। तो मेरे को जो यहाँ पे पुजारी हैं उन्होंने बताया कि ये क्ले आप अपनी बॉडी में लगाइए, अगर किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ किसी को है तो ये क्ले लगाने से ठीक हो जाती है और वैसे प्रिवेंशन के लिए भी ऐसी मान्यता है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि मैंने क्ले लगा ली काफ़ी सारी बॉडी में। फिर धीरे धीरे करते हम वापस आए। जाने में और वापस आने में हमारे को अंदाज में 20 से 25 मिनट लगे। एक और चीज़, अंदर महर्षि जबाली जी ने तपस्या की थी तो वो स्थान भी हमने देखा। साथ में मेरे को बताया कि यहाँ से एक रास्ता है गुफा के अंदर से ही जो जाता है कटील, तो कटील में एक टेम्पल है उस जगह जाता है वो रास्ता। एग्जैक्टली टेम्पल नहीं बट उसी एरिया तक रास्ता जाता है। क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ आना हमारे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, अति उत्तम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। अब बाहर जाके हम मंदिर में दर्शन करते हैं। गुफा के अंदर दर्शन करने के बाद अभी हम मंदिर के अंदर आए। सोमनाथेश्वरा जी के हमने यहाँ पर दर्शन किए जो भगवान शिव के ही रूप हैं। श्रीनिवास जी से मैं कुछ देर से चर्चा कर रहा था कि ये गुफा कितनी पुरानी है और ये टेंपल कितना पुराना है, तो इन्होंने भी पता लगाने की कोशिश करी तो इसके बारे में किसी को नहीं पता, डेट लगा नहीं सकते, मुश्किल है बता पाना है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत पुराना, बहुत, कोई हिसाब किसी को नहीं है। अब हम आए हैं श्री मंगला देवी टेम्पल, हमारा शहर मैंगलोर ये देवी के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आइए अंदर आइए। हाँ जी, मंगला देवी के दर्शन कर लेने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इन्होंने दी और कुछ हमें पंडित जी ने दी और बताया इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है। 9th सेंचुरी में अलुपा डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद समय समय पे रेनोवेशन होती रही। कहते हैं त्रेता युग में भगवान परशुराम ने समुद्र से अपनी तप और तपस्या करने के लिए धरती मांग ली। पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, मैं मैंगलोर की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये धरती मांग ली तो समुद्र यहाँ से पीछे हट गया। मैं यहाँ पे अरेबियन सी की बात कर रहा हूँ। समुद्र के पीछे हट जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। इस मंदिर का इतिहास उससे भी कहीं पुराना सतयुग का है। कहते हैं भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बेटी ने प्रण लिया कि मैं भगवान विष्णु से इस मृत्यु का या इस वध का बदला लूंगी। तो उन्होंने अपने दैत्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक का अर्नासुर नाम था। उस बालक ने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करी और वो देवलोक को विजय करने के लिए चल पड़ा। उसी दौरान माँ भगवती धरती पे आई और उन्होंने उस दैत्य रूपी बालक
का वध किया जिसका नाम अरनासुर था। अरनासुर का वध कर लेने के बाद माँ भगवती यहीं पर माँ मंगला देवी के रूप में विराजमान हो गई। जब हम टेंपल के अंदर आ रहे थे तो इन्होंने जिक्र किया था मैंगलोर का पुराना नाम क्या था, मंगलापुरम। मंगलापुरम तो समय के साथ धीरे धीरे मैंगलोर कहलाने लगा और मंगलापुरम नाम माँ मंगला देवी के नाम से ही जाना जाता है। अब हम पास में एक लोकल शॉप है, इधर लोकल सॉफ्ट ड्रिंक मिलेंगे, इधर उधर जाकर हम सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे। टेंपल के साथ ही हम ये शॉप में आए हैं, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है शरबत की। शरबत तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं आपको नन्नारी शरबत लेने का सजेस्ट करता हूँ। नन्नारी एक हर्बल रूट है, बहुत परफ्यूम वाला रूट है। अच्छा, ये लिखा भी हुआ नन्नारी सोडा है, नन्नारी सोडा लिखा है, बहुत अच्छा है। तो इनको आप बोल दीजिए 5 नन्नारी सोडा बड़ी। नारी का सिरप, लाइम और सोडा। टेस्ट तो अच्छा है, अच्छा है, हल्का हल्का मीठा है और नींबू तो डाला तो मामूली सा खट्टा भी है, तो ऐसा लग रहा कोई आयुर्वेदिक ड्रिंक पी रहे हैं, आयुर्वेदिक मतलब वो फीलिंग आ रही है। तो इसको नन्नारी को पानी में भी डाल के पीते हैं? नन्नारी पानी में डाल कर पी सकते हैं। अब क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे? अब आपको कुछ चिप्स दिखा देता हूँ। अच्छा, तो बनाना चिप्स। कोमल्स पे तो हम पहुँच गए हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया का नाम है हम्पन कट्टा। अच्छा, मार्केट एरिया। ओके, नमकीन में काफ़ी कुछ है इस शॉप में। हाँ, बहुत सारे आइटम्स है, हम रेगुलरली इधर से लेते हैं घर को। सो ये टैपियो का चिप्स है। ओके, ये स्वीट पोटैटो का चिप्स है। अच्छा, ये तिल का लाडू है। ओके, वो चकुली है रागी का। और ये बनाना चिप्स है, वो स्पाइसी नमकीन और स्पाइसी वाला। टैपियो का चिप्स भी आते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। कुछ हलवा भी है यहाँ पर? हलवा भी है सामने है, इधर देख सकते हैं। बनाना हलवा, डेट्स हलवा, ड्राई फ्रूट हलवा है। जब हमने मैंगलोर जर्नी स्टार्ट करी थी तो हमने ताजमहल पे बनाना हलवा और वीट हलवा टेस्ट किया था, मेरे को बहुत पसंद आया था, वेरी टेस्टी। एक हम ये ले लेते हैं अपने लिए, ये जर्नी के दौरान बीच बीच में खाते जाएंगे, और स्पाइसी बनाना चिप्स ले लेते हैं। अभी हम सामने कोमल्स पे थे, अभी हमें इस शॉप में लेकर आए हैं, क्या नाम है? सिटी बेकरी। और जी, इस शॉप का मैक्रोन्स फेमस है। काफ़ी पुरानी शॉप है ये? हाँ, 1925 तो मतलब 100 साल होने को आए हैं। वाह, अच्छा, तो ये मैक्रोन्स कितने ग्राम है? 200 ग्राम। प्राइस? 185। थैंक यू। लो जी, अच्छा शेप देखो, अनइवन है। और ये कैश्यू है ना? कैश्यू नट्स है। वाह लवली, पहली बार खा रहा हूँ। मैं पूछना भूल गया, इसकी शेल्फ लाइफ कितने दिन चलती है? 45 days। अच्छा, तो अगर मैंने ऐसे पैकेट खोल लिया तो भी 45 days चल जाएगा? चल जाएगा। क्या चीज है, लवली। भाई साहब, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ, मजा आ गया है? सोचो, कैश्यू नट्स का टेस्ट, अगर नहीं पता हो मुझे कि इसमें एग वाइट है तो खाने से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कैश्यू मालूम है, शुगर मालूम है, और इलायची का हल्का हल्का फ्लेवर मालूम है, एग वाइट नहीं समझ आता।
मीठे में जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हलवा के बाद अगर मुझे कुछ चीज़ बेहद पसंद आई है ना, तो मैक्रॉन्स है। इनको पेमेंट करेंगे और चलेंगे। अब अपना क्या प्लान है? और अब हम कैशियो फैक्ट्री देखने जाएंगे। कैशियो फैक्ट्री कितना दूर है यहाँ से? इधर से एक 20 मिनट का रास्ता है। ग्रेट। हम कैशियो फैक्ट्री पहुँचे। यहाँ के मैंने समझा कैशियो के जो पूरे प्रोसेस होते हैं ना, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, तो आधे एक घंटे में वीडियो शूट नहीं हो सकेगा, नाम समझ सकेंगे। बेहतर रहेगा हम यहाँ पे दोबारा आएँ कल के दिन और ढंग से इस पूरे प्रोसेस को समझें। अभी हम सेंट अलोयसियस चैपल आए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं आपको चैपल अंदर से नहीं दिखा सकता। अभी हम अंदर गए, वहाँ पर हमें एक पर्सन ने पूरा गाइडेड टूर दिया, बहुत अच्छे से हमें पेंटिंग्स के बारे में बताया और चैपल के बारे में भी बताया। आपकी जानकारी के लिए, अंदर हमने फ्रेस्को और कैनवास पेंटिंग्स देखी, वॉल्स पे भी पेंटिंग्स हैं और ऊपर सीलिंग पे भी है। ये पेंटिंग्स हमें जीसस की लाइफ के बारे में बताती हैं और हमें सेंट अलोयसियस गोंजागा की लाइफ के बारे में भी बताती हैं। जिन्होंने ये चैपल बनाया वो जेसुइट ब्रदर थे, एंटनी मोस्चेनी। 1889 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर बोर्ड पे भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जब आप चैपल आएंगे तो टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक, लंच के बाद दोपहर में 3 से 4:30 तक, संडे क्लोज्ड। इसी कंपाउंड में बाहर अलोयसियस म्यूज़ियम भी है। इनके पास म्यूज़ियम में बहुत बड़ी कलेक्शन है, तो आप आराम से 2 से 3 घंटे म्यूज़ियम में समय बिता भी सकते हैं और आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आज से पहले आपने कभी ना देखी हों। पुराने फ़ोन कैसे हुआ करते थे, पुरानी गाड़ी और भी बहुत कुछ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो बॉटम लाइन, जब आप मैंगलोर आएंगे तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सोमेश्वर बीच जाने के लिए। 20 से 25 मिनट का रास्ता है, बीच पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। हम सोमेश्वर सी बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ आते ही मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ पर पानी में खड़ा हुआ, मेरे कपड़े भीगे, मज़ा आ गया। सनसेट देखिए आप सामने, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे सूरज पानी में डूब रहा है। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ देखो पूरा आगे तक सी बीच है और साफ सुथरा इतना है कि आपको मज़ा आएगा यहाँ पर आके। वॉट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यहाँ आना, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ पर आए और टाइम पे आए। आज सोमेश्वर बीच आके दिल खुश हो गया। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस बीच की साफ़ सफाई से तो मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। मैं काफ़ी आगे तक गया था और समझ लो आधा किलोमीटर तक गया और वापस आया लौटकर, कभी पानी के अंदर कभी पानी के बाहर। ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी एट दिस प्लेस। तो मेरी सलाह में कभी आप मैंगलोर आएंगे तो शाम के समय यहाँ ज़रूर आइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हम अभी एमजी रोड पर आ रहे हैं। इधर कोरी रोटी के नाम से एक होटल है, सो अभी इस होटल में आप कोरी रोटी एंजॉय कर सकते हैं। चलो आओ, ये शॉप है ना? यही शॉप है, आओ जी। यहाँ पर सीन ये है, इनका रेस्टोरेंट कम बार है, तो अब ड्रिंक करने वाले लोग इस समय आ रहे हैं, तो मुझे लगा बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर बैठ के खाएं। तो मैंने इनको बोला भाई यहीं पे मैं टेबल लगवा दो, वैसे ये पार्किंग है जहाँ बैठ के खा रहे हैं और पीछे पार्सल काउंटर है, तो वेट कर रहे कोरी रोटी आ जाए। श्रीनिवास जी ने अपने लिए मशरूम मसाला और आपा मंगवाया, इसको बोलते हैं कोरी रोटी। इसको बोलते हैं रोटी, रोटी ये कोरी रोटी
रोटी नहीं, रोटी रोटी रोटी। अच्छा, ये ग्रेवी है, ये गसी बोलते हैं। गसी मतलब ग्रेवी, गसी मतलब ग्रेवी। सो कोरी मतलब चिकन। अच्छा, सो कोरी रोटी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो इसमें राइस के अलावा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं, इट्स ए प्योर राइस बैटर। अच्छा, वो हॉट तवा पे ऐसे पोर करते हैं, रवा डोसा कैसा पोर करते हैं, ऐसे पोर करके वो मॉइस्चर इवेपोरेट होएगा तो ऐसा रहे। तो इसको खाने का तरीका ये है कि हम ग्रेवी में इसको ऐसा ऐड करेंगे, ऐसा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ग्रेवी उस पर डाल सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा ट्राई करेंगे। हाँ, ऐसा ट्राई करेंगे। तो आप भी शुरू करिए। तो कोरी रोटी की शुरुआत बैंगलोर से हुई। हाँ। और आज की तारीख में ये आपको जगह जगह खाने को मिलेगी। मिलेगी। ये जो इसकी क्रिस्पीनेस है ना, जैसे पापड़ की क्रिस्पीनेस होती है ना, वैसे वो लेवल पे इसकी क्रिस्पीनेस है, आसानी से निकल जाता है। पहले इसको थोड़ा ऐसे ही खा के देखेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये। है नमक वगैरह कुछ नहीं है इसमें? कुछ नहीं, केवल। हाँ, तो आपको किसी दो चीज के साथ ही खाना होगा ऐसा, वही कॉम्बिनेशन, सादा नहीं खा सकते। अभी से स्पून से खा ले। ये ना कोई साधारण चिकन करी नहीं है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मसाले मॉडरेट लेवल पे हैं, स्पाइस मॉडरेट लेवल पे है, मीडियम लेवल पे, और मेन जो इसमें फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है वो कोकोनट मिल्क है। अभी इसको ऐसा खाएंगे। डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट। हमने इसमें डाल के खाया तो बहुत सॉफ्ट हो गया, ऐसे खाने से अपने को क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है और मजेदार है। तो ये ऐसे डाल लेंगे। वेरी गुड। सही है, मजेदार। अभी मैंने ध्यान से देखा, इस जगह का नाम कोरी रोटी होटल नहीं है, शेट्टीज कोरी रोटी होटल है। अभी मैंने सामने बोर्ड पे पढ़ा। अब हम इसको फिनिश करते हैं, आपसे अगले एपिसोड में दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो हमारी कल की जर्नी होगी। कल हम दोबारा से इन एंड अराउंड बैंगलोर घूमेंगे, और परसों हमको उडुपी जाना है। फूड फिनिश करके हम मेन रोड की तरफ आए हैं। तो श्रीनिवास जी, आपको बाय बाय, ठीक है? वैसे कल हमारा प्रोग्राम ये है कि बंदर जाएंगे, फिशिंग कैसे करते हैं वो देखने के लिए। तो कल भी आप हमारे साथ रहेंगे? आऊंगा। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, और आपको भी बाय बाय कर देते हैं, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।